अरे मिसेस हिदायत, बल्कि आप तो मिसेस कुछ और हो गई है ना। मेहरुनिसा नाम है मेरा, तुम मुझे मेहरुनिसा कह सकती हो। हस्बैंड को तो सबसे छुपा के रखा वही है, अब क्या नाम भी सबसे छुपाओगी। सुना है बड़ा हैंडसम है तुम्हारा हस्बैंड, नया वाला यंग। हमने कितना बुलाया तुम्हें क्लब मीटिंग में, तुम आई नहीं। हमसे तो उड्डे ठुड्डे नहीं संभल रहे, तुम्हें तो बड़ा भागदौड़ करनी पड़ती होगी, आपको बहुत मेंटेन रखना पड़ता होगा ना। हाय, लेकिन उम्र कहाँ छुपती है, कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती है। कितना भी मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल करा लो, कोई फायदा नहीं होता। फिर तुम यहां क्या करने के लिए आई हो अफशा? मैं तो अपने यंग हस्बैंड के लिए एफर्ट कर रही हूं। व्हाट अबाउट यू? सुहेल भाई के लिए आ रही हो? उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि उन्हें ये भी नहीं फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ साफ हैं या नहीं साफ, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां हैं या कम हो गई हैं। हाँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हूँ, अपने सुकून के लिए कर रही हूँ ये सब। अच्छी बात है, हर औरत को अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं भी रख रही हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शादी भी इसलिए की है कि अब कोई मेरा ख्याल रखे। मैडम आपने शादी कर ली है, मुबारक हो बहुत मैडम आपको। खैर मुबारक। अरे मैडम ने अपने से बहुत कम उम्र के लड़के से शादी की है। तो क्या हुआ, मैडम भी तो अभी तक बहुत यंग है। बहुत अच्छा किया आपने मैडम। और क्या ये जरूरी है कि हर बार लड़की ही छोटी और लड़का बड़ा, तब तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। हाँ लेकिन लड़की बड़ी हो तो सबको एतराज शुरू हो जाता है। जो लड़का मुझे पसंद करता है वो मुझसे 1.5 साल छोटा है, अच्छा, उसकी माँ नहीं मान रही है, क्यों? जाहिल हो रहे थे पूरी। मुझे लगता है मेहरुन्निसा ने जिनसे शादी की है उनके भी माँ बाप नहीं होंगे। खैर ओके मेहरुन्निसा, अल्लाह हाफिज।